ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पे। और आज का जो मेरा वीडियो है वो है एक स्किन केयर वीडियो। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि टोनर्स क्या है, कैसे लगाना चाहिए हमें उसे अपने फेस पर, क्यों है वो इतने जरूरी हमारे लिए और क्यों है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट हमारे स्किन केयर रूटीन का, और नहीं लगाने से क्या क्या नुकसान हम लोगों को हो सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। टोनर्स जो है वो हमारे स्किन केयर का सबसे नेग्लेक्टेड प्रोडक्ट है। हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते टोनर्स पे। और अगर देखा जाए तो लोग टोनर्स को बहुत अलग अलग नामों से जानते हैं। कुछ लोग उसको सीरम बोलते हैं, कुछ लोग उसको स्किन मिस्ट बोलते हैं, हाइड्रेटर बोलते हैं। बट एक्चुअली में जो टोनर होता है वो होता है टोनिंग प्लस वाटर। इट मीन्स कि समथिंग मिक्स विद वाटर विच हेल्प्स टू टोन योर स्किन। बेनिफिट्स की बात करते हैं गाइस, तो सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट जो फायदा है टोनर्स का वो ये है कि ये आपकी स्किन के पीएच लेवल को बैलेंस करता है। अलग अलग केमिकल्स और धूप और एटमॉस्फेयर जो भी हमारे स्किन को नुकसान करते हैं, हमारे स्किन की बैंड बजा देते हैं, उससे क्या होता है जो हमारी स्किन का पीएच बैलेंस है वो थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाता है। तो उसको बैलेंस करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं टोनर्स। और जो टोनर्स होते हैं उसको हम नॉर्मली क्लेंजिंग के बाद लगाते हैं, तो ये जो हमारे फेस का जितना भी बचा हुआ, फेस में जितना भी डर्ट या कोई इम्प्योरिटी बची है उसको रिमूव करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। जितने भी बचा हुआ वेस्ट है हमारी स्किन का उसको क्लीन कर देता है। इट मीन्स कि ये हमारी स्किन को डबली क्लीन करता है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये हमारी स्किन को रेडी करता है फर्दर स्टेप्स के लिए। सिर्फ इतना ही नहीं, और भी बहुत सारे काम है जो ये टोनर करता है। ये आपकी स्किन को केमिकल फ्री करता है, हर तरह के केमिकल से आपकी स्किन को जो है ये फ्री कर देता है। उसके अलावा हाइड्रेट करता है आपकी स्किन को, मॉइस्चराइज करता है, आपकी स्किन में जो वाटर क्वांटिटी है उसको इम्प्रूव करता है। इसके अलावा आपकी डेड स्किन को रिमूव करता है और आपके पोर्स को भी श्रिंक करता है। इसके अलावा ये एब्जॉर्ब करता है एक्स्ट्रा ऑयल आपकी स्किन से और आपकी स्किन को एक्ने और पिंपल फ्री बनाता है। तो जैसे कि अब आप जान ही गए हैं कि कितने सारे बेनिफिट्स हैं टोनिंग टोनर के और टोनिंग करने के। और अगर हम नहीं करते हैं ये स्टेप अपनी स्किन केयर रूटीन में तो कैसे हम अपनी स्किन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आप मार्केट से बहुत ज्यादा महंगे महंगे टोनर्स खरीदें, आप घर में भी टोनर्स बना सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही इजी है। आप एलोवेरा जेल को पानी में मिक्स करने के बाद उसे एक बॉटल में भर के रख लीजिए और उसको स्प्रे कीजिए अपने फेस पर। ये बहुत ही अच्छा एक टोनर है। इसके अलावा आप रोज वाटर यूज कर सकते हैं जो बहुत ही ज्यादा चीप है, अफोर्डेबल है, मार्केट में इजिली अवेलेबल है। और सबसे ज्यादा जो अफोर्डेबल टोनर है वो है ककुम्बर वाटर। आप खीरे का जूस निकालकर उसको हल्का सा पानी में डाइल्यूट करके अपने स्किन पे एज अ टोनर यूज कर सकते हैं। अगर आप मार्केट से टोनर खरीदने की सोच रहे हैं तो बहुत जरूरी है कि पहले आप अपने स्किन टाइप को जानें और उसके बाद अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही कोई टोनर खरीदें जो कि आपकी स्किन टाइप को सूट करे। या फिर अगर आप काफी टाइम से किसी टोनर को यूज कर रहे हैं जो आपकी स्किन को सूट करता है तो आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइज, अब मैं आपको बताऊंगी कि क्या है सही तरीका टोनर्स को इस्तेमाल करने का। आप टोनर को दिन में दो बार इस्तेमाल कर सकते हैं। स्किन केयर पे और चेहरे को कैसे साफ करना है इस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है और मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां पर देख सकते हैं कि कैसे हमारे स्किन केयर रूटीन के जो तीन इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग, और ये तीनों स्टेप्स जो है हमें इसी ऑर्डर में फॉलो करने होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्लेंजिंग करते हैं, यानी कि अपने फेस को क्लीन करते हैं, और उसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है वो है टोनिंग। उसके बाद हम अपने फेस को टोन करते हैं। और मैं इस्तेमाल करती हूँ ये अरोमा मैजिक का टोनर फॉर ऑयली स्किन एंड एक ये बायोटिक का बायो ककुम्बर टोनर। दिस इज फॉर नॉर्मल टू ऑयली स्किन। और ये दोनों ही प्रोडक्ट्स जो है ये मेरे स्किन को बहुत ज्यादा सूट करते हैं, इसलिए मैं इनको काफी टाइम से यूज कर रही हूँ और मैं इनको अल्टरनेटिवली यूज करती हूँ। टोनर्स को आप दो अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक पहला तरीका तो है कि आप कॉटन बॉल में थोड़ा सा टोनर लें और उसको अपने फेस पे डैब डैब करें। एंड ये तरीका बहुत ही अच्छा है, बट मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके में काफी सारा जो टोनर है वो आपकी कॉटन बॉल जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है, तो इट इज अ काइंड ऑफ वेस्टेज ऑफ द प्रोडक्ट, बट इट इज एक्चुअली गुड अगर आप इसको कॉटन से अप्लाई करना चाहते हैं। तो डैब डैब मोशन में आप इसको ट्राई कर अप्लाई कीजिए अपने फेस पर। दूसरा जो तरीका है गाइज कि आप इसको स्प्रे कर सकते हैं अपने फेस पर। स्प्रे करने का सबसे पहला फायदा तो ये है कि प्रोडक्ट बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता है और अच्छे से ये पूरा आपके फेस पे स्प्रेड हो जाता है। और स्प्रे करने के बाद आप डैब डैब मोशन में इसको अपनी स्किन पे एब्जॉर्ब होने दें। 4 to 5 मिनट्स तक आप इसको छोड़ दीजिए और ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा। इम्पोर्टेंट बात कि जो भी टोनर आप खरीदें वो
अल्कोहल फ्री होना चाहिए और जितना हो सके वो केमिकल्स फ्री हो तो बेटर है। और अगर आप कोई हर्बल टोनर खरीदते हैं तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आई होप गाइज कि मैंने काफी हद तक आप लोगों के डाउट्स क्लियर किए हो टोनर को लेकर, कैसे इस्तेमाल करना है, क्या फायदे हैं, क्यों इसको यूज करना जरूरी है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक जरूर करें मेरे वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं मिलती रहूंगी आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तो गाइज बाय बाय।